morning students. This is a chapter 4 Vedic maths, and today we will do exercise 4.4. yesterday we have done exercise 4.3, write the deviation. आपने कल किया था, deviation करना सीखा था. मैंने आपको बताया भी था deviation कैसे करते हैं. जो भी आपको number दिया गया है उसमें से 10 को minus करना है, तो जो भी आएगा negative या positive दोनों में से कुछ भी आ सकता है. जैसे 8 - 10 करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा -2, इस तरह से. तो अब देखिए इसमें आप, हाँ, आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय निखिलम मेथड. ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 है, मल्टीप्लाई यूजिंग निखिलम सूत्र बेस 10. तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कैसे किया जाएगा इसमें मल्टीप्लाई. ये देखिए इसमें क्वेश्चन 1 क्या है, 12 - 9. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 12 को लिखेंगे और 9 को. इस तरह हमने लिख लिया. अब क्या करना है, 12 का निखिलम निकालें, सॉरी डेविएशन क्या होगा. 12 का डेविएशन होगा आपका, देखिए इसमें बताया भी गया है डेविएशन इसका क्या होगा, यानी 12 - 10 तो क्या लिखेंगे हम, +2. क्या लिखेंगे, +2. 9 का डेविएशन क्या होगा, यानी 9 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -1. अब जो भी डेविएशन इसमें आया है उसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2. लेकिन ये 2 प्लस का है और 1 माइनस का है. तो प्लस, एक नंबर अगर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाता है, माइनस में आंसर होता है उसका, क्या होता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे. अब देखिए ये तो इतना बात इतनी हो गई. अब इसमें हमें क्या करना है, इनको इस तरह से ऐड करके देखते हैं. देखिए 9 + 2 क्या होता है, 11. 12, अब यहाँ पे माइनस का 1 है तो 12 - 1 11 आया, यानी दोनों का सेम आता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11. देखिए इसका इनको ऐड करने पे आया 11 और इसका आया मल्टीप्लाई करने पे -2. जब भी इसका इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर -2 है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है. अब प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 11 है यानी तो हम इसमें से 1 - 10 यहाँ ले लेंगे. कैसे, देखो ये तो 10 कर लेंगे और ये जो ये 1 - 10 आया आपका उसको हम यहाँ लिखेंगे 10 - ये 2. आया समझ में, ये 11 था, 11 में से 1 - 10 हमने यहाँ ले लिया तो 10 - 2 और ये 10 यहाँ रह गया. अब ये 10 तो हम एज इट इज लिखेंगे और 10 - 2 क्या हुआ, 8. अब इसको हम एक साथ लिखेंगे 108. आया समझ में. ऐसे ही फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन 1 हो गया. क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, 15 लिखिए और ये 12. अब इसका डेविएशन नंबर, 15 का डेविएशन क्या होगा, +5. 12 का डेविएशन क्या होगा, +2. अब 2 ये डेविएशन के जो नंबर आए हैं उनको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +10. ठीक है, आप देखिए +15 + 2 = 17, 12 + 5 = 17. इट मीन्स वी विल राइट 17 एंड यर 10. अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर होता है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है. यहाँ पे इसको ले आते हैं और इसको ऐड करते हैं. कैसे ऐड करेंगे, देखिए इसको करने का ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 17 + 1 या ये करिए आप, इसको 17 + 1 कर दीजिए और ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0. ये यहाँ पर आ गया, हम इसको क्या लिखेंगे, 18 और ये 0. अब इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 180. क्या लिखेंगे, 180. आया समझ में. अब इसको क्वेश्चन 3, 13 और ये 17. 13 का डेविएशन क्या होगा, +3. 17 का डेविएशन +7.
अब क्या करना है, डिविजन के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 7 क्या आया 21, ये प्लस के देखिए 13 प्लस 7 20, 17 प्लस 3 20, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 और ये 21। अब ये टू डिजिट का नंबर है, फिर हमें वही करना है जैसे इसमें किया गया, क्या करेंगे इसमें 20 प्लस 2, ये 20 है ही और इसमें प्लस 2 करेंगे और ये यहाँ पर 1 रह गया, ठीक है। अब 20 प्लस 2 कितने हो गए 22 और ये 1, अब इनको इसके साथ लिखेंगे 221। आया समझ में? तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4 देखिए 8 और ये 9, 8 का डेविएशन क्या होगा माइनस 2, 9 का डेविएशन क्या होगा माइनस 1, ठीक है। अब माइनस 1 और माइनस, जब भी कभी इस तरह के नंबर हो, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो वो प्लस हो जाता है, 2 1 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 2, और ये देखिए 8 - 1 = 7, 9 - 2 = 7, सो वी विल राइट 7 and 2। आप देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, वन डिजिट का ही नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 72। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन 1 to 4 हो गए हैं। आगे और करते हैं हम, अब देखिए क्वेश्चन 5 है 14 11, तो यहाँ पे पहले 14 लिखिए और ये 11, 14 का डेविएशन क्या होगा प्लस 4, 11 का डेविएशन प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 4 1 4। अब देखिए 11 प्लस 4 15, 14 प्लस 1 15, सो वी विल राइट 15 और ये 4। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इनको एक साथ लिखना है 154, ओके। फिर है आपका क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या है 9 16, 9 का डिवीजन क्या होगा माइनस 1, 16 का डिवीजन क्या होगा प्लस 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक प्लस का एक माइनस का, यानी माइनस 6 हो जाएगा, 16 - 1 = 15, 9 + 6 = 15, सो वी विल राइट 15। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस का नंबर है, तो माइनस का नंबर यहाँ पे होता है तो इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या है ये 15, तो 15 को हम यहाँ लिखेंगे 14 और एक 10 जो है वो यहाँ लेके माइनस 6 कर देते हैं, 14 ये हो गया, 10 - 6 = 4, सो वी विल राइट 144। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये 12 लिखा है आपने, 13, 12 का डेविएशन प्लस 2, 13 का डेविएशन प्लस 3, 3 2 = 6, देखिए 13 प्लस 2 15, 12 प्लस 3 15, सो वी विल राइट 15 एंड आंसर इज 156। क्वेश्चन 8 इज 13 and 10, डेविएशन ऑफ 13 प्लस 3, डेविएशन ऑफ 10, 10 का डेविएशन क्या होगा 0, अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 13 और 13 प्लस 0 13, सो वी विल राइट 13 एंड वी विल राइट आंसर इज 130। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड योर होमवर्क इज डू exercise 4.4 in notebook।